بسم الله الرحمن الرحيم. تلوث الماء يؤدي إلى تقليل الماء ماء النقي والعذب. تلوث الماء پانی کا آلودہ ہونا يؤدي إلى تقليل الماء النقي والعذب. يؤدي سر وجہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے. سبب بنتا ہے پانی کی کمی کا. نقی صاف والعذبی اور تازہ تازے اور صاف صاف پانی. اور شفاف. صاف اور شفاف پانی کی کمی کا سبب بنتا ہے. الذي يستعمله الإنسان في الشرب والنظافة. الذي وہ جو يستعمله الناس استعمال کرتے ہیں لوگ في الشرب پینے میں والنظافة اور صفائی کے لیے. وسبب في تلوث الماء اور پانی کے آلودہ ہونے کا سبب رمي المواد الكيميائية. رميو فينكنا ठीक है. مواد الكيميائية يعني كيميائي مواد. ठीक है. والنفايات الحيوانية والنباتية ومياه الصرف الصحي في البحار والأنهار والآبار. والنفايات الحيوانية حيواني كرة كركت. जानवरों का जो गोबर शोबर मुराद है. ठीक है. ठीक है. ومياه الصرف والنباتي جتي اور نباتات يعني پودے وغیرہ. ومياه الصرفي اور صحيح پانی صرف صحيح ایکسٹرا پانی جو ضائع ہوا پانی. ومياهي صرفي صحيح في البحار والانهار والابار. اس کا جو پانی کا ضیاع ہونا، جو گندی پانی ہوتا ہے، اس کا سمندروں، دریاؤں اور آبشاروں میں ضیاع ہونا، یعنی يعني اس کا معیار سے تو مطلب ہے اس کو. بس سبب و فتلہ و سلمائی، اور جو پانی کے آلودگی کا سبب ہے رمی المواد، اس کا کیمیکل مواد کا توڑنا، و نفایات الحیوانیہ و نباتیہ و میاہی صرف صحیح، ان چیزوں کا میں یہاں سے ڈھونڈنا. اس کو کچھ صحیح ذہن میں نہیں آ رہا ابھی سمجھ. ويسبب تلوث الماء أمراضا كثيرة للإنسان. ويسبب اور سبب بنتا ہے تلوث الماء پانی کا آلودہ ہونے کا امراضا بیماری كثيرة بہت زیادہ للإنسانی انسان کے بیمار ہونے کا آلودہ پانی انسان کے بیمار ہونے کا سبب بنتا ہے. ويؤدي إلى موت الحيوان والنبات. ويؤدي اور وجہ بنتا ہے إلى موت الحيوان والنبات. موت الحيوان جانداروں کی موت اور پودوں کا جانداروں اور پودوں کی موت کا سبب بنتا ہے. جانداروں اور پودوں کی موت کا سبب بنتا ہے. جانداروں اور پودوں کی موت کا سبب بنتا ہے. التلوث التربتی مٹی کا آلودہ ہونا. یتلف هذا النوع من التلوث التربت الجیدتا. یتلف هذا النوع یتلف
यूटिलिटी का मतलब होता है खराब करना, डैमेज करना, स्पॉइल करना। आलूदी की ये जो किस्म है वो डैमेज करती है अच्छी मिट्टी को, अच्छी मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है। आलू की ये जो किस्म है वो डैमेज करती है अच्छी मिट्टी को। वयुअद्दी हाजा इला फकदी मिसाहतिन मिन अल अर्ज अल्लती युज़रउ फीहा नबातु। वयुअद्दी हाजा इला फकदी और सबब बनती है ये इला फकदी मिसाहतिन मिन अल अर्ज इला फकदी अवधि का मतलब होता है कम होना, मसाहत का कम होना जमीन से। मुसाद यानी जो वो जमीन जिस पे काश्त होती है उसका कम हो जाना, उसका जया होना भी कह सकती है। और ये वजह बनती है ज़रात के काबिल जमीन का कम हो जाना, नुकसान हो जाना जिसमें हम पौधे उगाते हैं। यानी वैसी जमीन जिस पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं उसकी जो एरिया होता है वो कम हो जाता है इस मिट्टी की आलूदगी की वजह से। और इसका वयुअद्दी हाजा इला फकदी मिसाहतिन मिन अल अर्ज अल्लती युज़रउ फीहा नबातु। और जमीन की के एरिया का कम हो जाना युज़रउ अल्लती युज़रउ उसमें काश्त करना नबातु जिसमें काश की जाती है युज़रउ की जाती है काश्त की जाती है काश्त की जाती है नबातु पौधे ठीक है। लिगिजाई इंसानी वल हयावानी इंसान की गिजा के लिए इंसान और हैवानात की गिजा के लिए। अजुजाऊ और रोशनी ओ सॉरी शोर दौड़ाओ शोर शोर, शोर दाऊ शोर तकसुरु दो तकसुरु दो दाऊ फिल मुदनी जो सिटीज में शोर का ज्यादा होना वसबुहा वसाइल नकली इसका सबब है वसाइल नकली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो मेन्स ऑफ ट्रांस मीन्स ऑफ जी ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल के वसाइल। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिन तायरातिन मिन तायरातिन सर एरोप्लेन जहाज जहाज ठीक है। वहाफिलातिन बस और बसें वक्तारातिन और रेलगाड़ियाँ व सयारातिन और कारें। कमा तुसब्बिबुल अजहिजतुल कहरबाइयतुल मुख्तलिफतुल लती फिल बुयूती जिस तरह तुसब्बिबुल आल्सो कमा आल्सो तो सब भी बहु इसके वजह बनती हैं। Also, यानी इस अल अजीनतुल कहराबिया इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, इनके जो बिजली से चलने वाली चीजें होती हैं घर में, पंखे हो गए, टीवी हो गया, एसी हो गया, मशीन होगी। घरों में जो मुख्तलिफ अजीजा तो सर क्या था अजीजम अप्लाइंसेस, अप्लाइंसेस यानी जो घरों में होती है ना, आज अलाजीजा तो भैया सब वो चीजें हैं जो घरों में जो बिजली से चलती हैं। क्या क्या बिजली से चलता है? पंखे हो सारी गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन, ब्लेंडर मशीन, फ्रिज, ये सब इसमें शामिल है। वो चीजें जो लाइट से चलती हैं घरों में वो भी इसका सबब है। हाँ जी, वतुअद्दी ज़ुज़ाउ इला ज़ौफ़ अस्समी वल क़लक़ी और इसका सबब शोर और समाअत का कमज़ोर होना वल क़लक़ी और ये परेशानी परेशानी भी कह सकती है, और रेस्टलेस जो सिचुएशन होती है, बंदा थकावट थकावट से महसूस करता है।
कल कोई एक्सरसाइज नहीं थी? कल तो सर वैसे आपको कुछ नहीं किया ना? सर इसमें थी लेकिन ना थोड़ी इसमें दो मेरे ऊपर वाले क्वेश्चंस रहते हैं, इस्तमी अल खबरी, उसके थोड़ा लिखना चलो है, वो समझ नहीं आया था वो लिखना है। हम सुवरी सॉरी द अलामत खत सही अव अलामत खतन सुम सही खता अहम सुवरी تلوث البيئة أربع، ये غلط है، تين है इसके، ये أهم الصور تلوث البيئة ثلاث، एक दो तीन चार लिखी हुई है इसमें, तो चार सही है ना? चार सही है, लेसन में चार लिखी हुई है। يكون للهواء لون وراهية إذا تلوث، هو جاتا ہے ہوا کے لیے کلر اور اس کی سمیل، إذا تلوث جب وہ آلودہ हो ابھی जाता है। آگے ٹھیک ہے سر، सही है। يسبب تلوث الهواء موت موت النبات والأسماك والحيوانات ना نبات والحيوانات كتير। السبب في تلوث الهواء المواد الكيميائية الكيميائية تلوث الهواء ठीक है सर नहीं, हवा की जो आलूदगी होती है उसमें तो ये नहीं होता, ये जमीन की आलूदगी में होता है, या पानी का हमने पढ़ा था कि पानी की जो होती है आलूदगी, जी सर हाँ ये पानी ही है, यहाँ पानी का है। यूसेफ तलब तलब वसुलमाई के लिए उन्हें तलब हाँ जी जी वसुलमाई मवाद तकसुरु दाउ फिल कुरा मुदन फिल मुदन अजिब باختصار عما يلي ما السبب في تلوث الهواء؟ هواء كي آلودہ ہونے کا کیا سبب ہے؟ هواء كي آلودہ ہونے کا سبب ہے إهراق نفطي بسبب محرقات السيارات وغيرها. दोबारा जवाब था। हाँ إهراق نفطي بسبب محرقات السيارات وغيرها सही, बस इराक को नफ़त कहने खाली हुआ काफी है। السبب في تلوث الماء پانی کی تلوث ہونے کا سبب في تلوث الماء رمي المواد الكيميائية والنفايات الحيوانية والنباتية ومياه الصرف يصير بڑا ہے सही پورا لکھو سر اس کا इसको यूं कर देना कि रमयो मवाद कीमिया व नफायात हैवानिया व नबातिया फिल बिहारी व नहारी, बीम से कुछ लाभ छोड़ दें, ये मियाँ इस सर्फ सही इसको छोड़ दें। बिल बिहारी वन अनहारी वन आबाद इला अय शय युअद्दी तलबुसु तुर्बती इला अय शय कौन सी वजह बनती है मिट्टी के तलबुस होने की नहीं, इला अय शयइन, जो मट्टी का आलूदा होता है वो किस चीज़ का वजह बनती है, यानी उस जब मट्टी आलूदा हो जाती है तो उसका क्या नुकसान होता है, ये पूछ रहे हो। वो है सर
فقدي مساحة من الأرض التي يزرع فيها النبات لغذاء الإنسان والحيوان. ما السبب في ضعضعي؟ لايك كم سبب؟ شورتك يا يهسر بسببها وسائل النقل من طائرات وحافلات وقطارات وسيارات، وكيفية كما تسببه أجهزة الكهربائية المختلفة التي في البيوت. صحيح. مفردات التدريب الأول، هاتي جمع الكلمات، كلمات نية بهيثري. إلى أي شيء يؤدي تلوث الهواء؟ هواك الهدى هنا. किस चीज का सबब बन गया? ये तो हवा वाला पहले की लिखी थी। इरा कुन्ना वजह नहीं बता दिया हमने, ये बताने जब हवा लब्ध हो जाती है फिर क्या होता है? फिर सर ये होता है तलबस الهواء كذلك موت الحيوان والنبات. यूं कहते हैं यदुर तलवस हवाई सेहत الانسان ويؤدي إلى التهاب والعيون والرئة. مفردات التدريب الأول، هاتي جمع الكلمات التالية من النص واستعملها في جمل من إنشائك. الكلمة جمعها الجملة. عين 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 كهذا أعين عيون. عيون. सर इनकी जमा अगर हम कहीं से तलाश करें कैसे होगी? स्क्रीन शेयर करना मैं बताऊंगा। और सर वो जो कल आपने वो फेले अमर पढ़ाया था उसकी भी अमर जो है वो अगर हम मतलब कहीं से ढूंढें तो अमर का बस यही दो स्टेप है ना, आसान ही है, मैं यही बता देता हूँ लिखने में सर थोड़ा ना। मुश्किल। कुछ ये खास वर्ड भी समझ नहीं आ रही है क्या है? इसमें जो था हमने आला पढ़ा था उसका अमर जो था वो लिखने में थोड़ा मिला था। हालांकि क्या स्पेलिंग थे इसका? आइन लाम अलिफ मुजारे क्या है? ये आला आला या आला। ठीक हो गया ही है मुजारे। ठीक अब सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, जब हमने बनाना अमर, ठीक अलामत मुजारे हटा देंगे है, तो यहाँ से अलामत मुजारे को हटा दिया, फिर से बिल्कुल हमारे पास बच गया ये। सही है, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है हमजतुल वसल लगाएंगे। इसका? आला का वैसे मुजारे होता है या आलू, ठीक है, या शाही आलू, क्या या आलू, तो या आलू में से हम आइन को हटा देंगे अब। अच्छा जी, अब यहाँ पे चूंकि अब सुकून है तो अब हमने अलिफ लगा दिया, ठीक हो गया। आप क्या करना है? उसके आयन कलमे की अलामत को देखना है, वहां पेश है यानी ठीक दमा है तो हमने दमा लगाना है। हो गया। उलू अब मसला यह है कि फेल अमर में हम हरफ इल्ला इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके आखिर में हरफ इल्ला है, तो फिर क्या करेंगे हम? इसको सर गिरा देंगे, हजफ कर देंगे। ये हमारे पास बचा ओलू। सही, ठीक है, और बोलो।
कोई और मुश्किल लफ्ज? नहा और यनहा, इसका नहा यही भी ठीक है, नहा यही पहला लेकिन स्टेप क्या करेंगे? यहाँ पे फतहा है तो हाँ यन, हाँ अली मकसूर है ना आखिर में, तो यहाँ पे फतह आएगा। ठीक है, अच्छा जी, नहा यनहा पहला स्टेप क्या होगा? इसमें से भी अलामतें मुजारे हटा देंगे। तो पीछे बचा नून, हाँ अली मकसूरा। अब क्या करें? इसमें हम अब नून साकिन है तो हमजतुल वसल लेकर आएंगे। और अब यहाँ पर फतहा है तो कसरा लेकर आएंगे। सही, और आखिर में या को गिरा देंगे, अली मकसूरा को गिरा अलिफ देंगे। हाँ अलिफ मकसूद इन इन्हा जी, इन हाँ बच गया। ठीक है, और कुछ? बस जी आइन की जमा क्या है? उयून। ठीक है, या वाओ नून से आइन या वाव नून, ओ यून। उयून सर्किल। हाँ जी, ओ यून स्पेलिंग। जुमला जुमला क्या बनेगा? की लोनुल अज़रफ़ आयनुन जमीलुन। ये आप कहना चाहती है कि ब्लूज आईज खूबसूरत होती है? क्या जी सर। आप जुमला क्या आपका अरबी में? लोनुल आयनुन अज़रफ़ उयूनुल ज़रकाउ, लोनुल मोनस है। उयूनुल ज़रकाउ, काउ जमीलुन जमीलतुन। हाँ अल उयूनु, दोनों मार्फा होंगे। अल उयूनुल जरकाओ जमीला। العيون الزرقاء جميلة، بحر إبحار، बिहार भी होता है, बिहार। بحار بحار سمندر ماء البحار يا الماء البحار نقي والعذب किसने कहा कि पान समुद्र का पानी मीठा और शफाफ होता है? ये तो दुनिया में नहीं है, बल्कि कभी भी नहीं हुआ। उसमें कराची में तो गंदा होता पूरी दुनिया में जो समुद्र का पानी काला ही होता है, ये हमेशा से खा रहा ही रहा है। ठीक है, या अगर आप यूं कहने चाहती हैं वैसे शफाफ लेकिन नजर आने की सूरत में, तो उसमें चलो ठीक है। तो माँ उल बिहारी माँ उन बिहारी अजब आगे कल अजबन, तो उस पानी के लिए इस्तेमाल होता है जो पीने के लिए होता है ना, नकी शफाफ यून का ले। माँ उल बिहारी नकी यून, नकी नकी यून यानी कि वो क्रिस्टल क्लियर वाटर है, साफ पानी पीने वाला नहीं है।
نهر، أنهار، أنهار تهري. أنهار استوي بلاندنج أزم ولا جملة ما أول النهاري عذابون الأنهاري أزب. سر أنهار جمع ہے، جمع کے لیے پھر بونس لے کر آئیں گے. ہم جب انہار کے لیے تو وہ ایڈجیکٹیو نہیں لا رہے ہم تو ماں کے لیے لگا دیں ماں سنگولر لفظ استعمال کر رہے ہم ٹھیک سر، أزب. وسيلة، وسيلة كا وسائل، صحيح ہے وسائل، وسيلة ہوتا ہے وسيلة سر، ذريعة، ذرائع وسائل ذرائع ذرائع. وسائل النقل، وسائل النقل، تكسر الضوضاء وسائل النقل من الطائرات. تكسر الضوضاء بسبب وسائل النقل بسبب، تكسر الضوضاء بسبب وسائل النقل. اور سمبل بھی کہہ سکتی ہے الضوضاء بسبب وسائل النقل بسبب وسائل النقل. ٹھیک ہے. بئر، اس کا ہوگا، اس کا نہیں پتا تھا. آبار آبار، آبار کا آبار سر، کوئی زیادہ ہاں جی کوئی سر، ان کا پانی تو میٹھا ہوتا ہے. مٹھا نہیں ٹھیک ہے ماء الآبار نقي وعذب، والعذب سيئة والعذابون خبر مرفوع جهاز، جهاز appliances وہ چیزیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں اچھی سے تم، ٹھیک ہے اچھی سے تم. أجهزة الخربائي، خربائي أجهزة الكهربية في البيت الذي في البيت. غالية أجهزة الكهربائية غالية هذه الأيام إن دنو إلكترونيك أبلانسز مهنگی ہیں أجهزة الكهربائية غالية. ابھی الفاظ کا مطلب آپ لوگ سکرین شیئرنگ کر لیں स्क्रीन शेयर की है वो ज्वाइन करो ये डिक्शनरी नोटिफिकेशन में देती है वर्ड्स का नहीं देती